लो वर्ल्ड मेमोरी चैंपियन में भी भारत ने बाजी मार ली है। दुनिया भर के 260 छात्रों के मुकाबले भारतीय मूल के छात्र ध्रुव प्रभाकर ने हांगकांग में हुई वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीत लिए। ध्रुव ने छात्रों की श्रेणी में नेम्स एंड फेसेस और रैंडम वर्ड्स स्पर्धा में 26 अन्य प्रतिस्पर्धियों को हरा दिया। इस स्पर्धा में चीन, भारत, ताइवान, रूस और मलेशिया सहित अन्य कई देशों के 260 छात्र भाग ले रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि मेमोरी पैलेस बनाने की रोमन तकनीक में निपुण ध्रुव द्वारा मात्र 30 मिनट में 1155 बाइनरी अंकों को याद कर लिया गया। उन्हें 87 नाम और चेहरे याद करने में केवल 15 मिनट का समय ही लगा। मेमोरी पैलेस तकनीक का इस्तेमाल कर व्यक्ति चीज़ों और घटनाओं को तस्वीरों के रूप में दिमाग के अलग अलग हिस्सों में संग्रहित कर सकता है। कुल मिलाकर इस जीत ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय छात्र भी कहीं से भी पीछे नहीं हैं। वे लगातार नए नए कीर्तिमान हर क्षेत्र में रचते ही चले जा रहे हैं।